करुणा काल की सच्ची कविता। सारी दुनिया में जब भगवान की तरफ से करुणा की लहर आया तो बड़े बड़े सुपर पावरों के होश उड़ गए। सारा दुनिया का साइंस और टेक्नोलॉजी फेल हो गई। सारी दुनिया में सन्नाटा छा गया। एक इंसान दूसरे इंसान से डरने लगा और भय की माहौल हो गया। इतनी मौतें हुई कि मौत की सिलसिला थम नहीं रही थी। ट्रंप की नींद उड़ गई, हेकड़ी गुम हो गई। भारत से चीख चीख के मदद की गुहार लगा रहे थे। भारत को आया दया और मोदी ने पहुंचवाया दवा। अमेरिका की सारी हिकमतें फेल हो गई। लाशों की ढेर हो गई, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई। ट्रंप लाश देने से किया इनकार, परिवार वाले की लाश लेने की कोशिश फेल हो गई। जीबीसी गाड़ी से इस तरीका से लाशों को गड्ढा में फेंका गया जैसे जानवर को फेंका गया। मुर्दों को ना कफन नसीब हुई, ना लकड़ी नसीब हुई, ना परिवार वाले की हाथ की मट्टी नसीब हुई। सारी दुनिया के लोग कोरोना से इतना भयभीत थे कि लाशों को भी कांधा देने से किया इनकार। अजीबो गरीब मंजर था, क्यामत की आसार था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। काबा बंद हो गई, काशी बंद हो गई। सारी दुनिया की मस्जिदें मंदिर गिरजाघर बंद हो गई। इंसान के लिए कोई ऐसा जगह नहीं था जो अपनी मन की अमन शांति की दुआ मांग सके। मंदिर में भी ताला लग गई, मस्जिद में भी ताला लग गई, गिरजाघर में भी ताला लग गई और गुरुद्वारा में भी ताला लग गई। न ही पुजारी का अता पता, न इमाम का अता पता, न गुरु का अता पता, न पादरी का अता पता। सारे वीरान पड़े हुए थे। करुणा से इतनी मौतें हुई थी, लाश जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हुए थे। लाश देख के इंसान का रूह कांप जाएगा। करुणा काल में यहाँ से जो भी गए अपना सारा पैसा कौड़ी धन दौलत आलीशान बिल्डिंग महले छोड़ के चले गए। इसीलिए सभी से गुजारिश है, अपील है, भगवान अगर पैसा कौड़ी धन दौलत दिया है तो गुरूर घमंड ना करे, दुनिया को जन्नत समझने की भूल ना करे। उस मुकाम के लिए काम करे जहाँ इंसान को जाना है। कुछ दुनियादारी में खर्चा करो, कुछ भगवान की राह में खर्चा करो, कुछ मंदिर को दो, मस्जिद को दो, गिरजाघर को दो, गुरुद्वारा को दो, विधवा और अनाथ को दो, भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, वहाँ भी आपकी मुकाम बन जाएगी।